आफ्टरनून फ्रेंड्स, रतिकास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं जनजनी मिसल पाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पुणे में बहुत अच्छी मिलती है, जहाँ मैंने खाई थी उसी की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और इतनी टेस्टी लगेगी ना, आप एक बार इस स्टाइल से मिसल पाव बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, आप मेरी ज़रूर मानेंगे। तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, सबसे पहले आप प्याज ले लीजिए, रफली चॉप आपको लेना है, टमाटर भी आप रफली चॉप कर लीजिए। उसके बाद मटकी, ये स्प्राउट्स है जो आप पहले भिगो दीजिए रात भर और फिर एक कपड़े में बांध कर ऐसे ये स्प्राउट्स हो जाते हैं। उसके बाद ये लहसुन, मिर्ची, अदरक और ये लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कश्मीरी पाउडर भी ले सकते हैं। ये नारियल कसा हुआ है, ग्रेटेड नारियल है, और मिसल पाव मसाला, अगर आपको मिसल पाव मसाला नहीं है, आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने पानी बॉईल कर दिया था और जो मटकी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी, स्प्राउट्स इसके अंदर डाल दी। ये 10-15 मिनट्स आपको बॉईल करने, सिर्फ सिंपली बॉईल। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक पैन चढ़ाएंगे। एक पैन में पहले अपन को नारियल, जो ग्रेटेड नारियल है ना, उसको अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए जैसे मैं सेक रही हूँ वैसे आपको सेक लेना है, जब तक कलर चेंज ना हो जाए, जब तक आपको सेकना है। कलर चेंज होने के बाद आप इसको एक बाउल में निकाल दीजिए। ये देखिए जनजनी मिसल पाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, मुझे लगता है कि सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। और अभी बारिश का मौसम है तो अगर आप ये बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी भी लगेगा और खाने का मन भी ज़रूर होगा। तो ये जैसे देखिए कलर अब चेंज हो चुका है, अब इसको अपन एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर वापस एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद इसमें ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद रफली चॉप अपन प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और कश्मीरी लाल मिर्ची वो डाल देंगे। इसको भी अच्छे से अपन भून लेंगे। इसमें जितना अच्छा आप ग्रेवी और इन सबको भूनोगे ना, उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। मिक्स कर लीजिए और इसको अच्छे से पकने दीजिए। ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है प्याज भी। और उसके बाद आप टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद आप इसमें नमक डाल दीजिए, टेस्ट अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालिए जिससे ये सारी सब्जियां कुक्ड हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स कुक हो चुकी है, अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ये ठंडा होने के बाद अपन इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। अब ये देखिए ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करने के बाद जो अपन ने नारियल सेखा था वो भी अपन इसके अंदर डाल देंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। किस किस को मिसल पाव पसंद है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और अभी तक आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। अब वापस आप एक पैन चढ़ा दीजिए। पैन चढ़ाने के बाद 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए। ऑयल डालने के बाद जो अपन ने स्मूथ पेस्ट बनाया था, ग्रेवी बनाई थी, वो अपन इसमें डाल देंगे। ये
ये आप ऑलरेडी कुक कर चुके थे, बट अब इसके अंदर अपन मसाले के साथ कुक करेंगे और इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना, आपको दूर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी बनी है। तो सबसे पहले आप इसमें मिर्ची डालेंगे, आपको इसमें हल्दी पाउडर नहीं डालना है, इस बात का ध्यान देना। मैंने पहले मिर्ची, नॉर्मल मिर्ची डाली, फिर कश्मीरी लाल मिर्ची डाली, फिर धनिया पाउडर डालेंगे, फिर टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इसके बाद अपन मिसल मसाला डालेंगे, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको मिसल मसाला नहीं मिलता है मार्केट में तो मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। प्लीज़ कमेंट कर मुझे बोलना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिसल मसाला डालने के बाद अच्छे से मसालों को मिक्स कर देंगे और अच्छे से पकने देंगे जब तक ऑयल पूरा ऊपर नहीं आ जाता। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना, अगर ऑयल अच्छे से अपना मसाला पक जाता है तो ऑयल ऊपर आ जाता है और पैन के चिपकता भी नहीं है ग्रेवी, तो ये साइन होता है कि आपका मसाला अच्छे से पक चुका है, सब्जी अच्छे से पक चुकी है। मिक्सी जार में थोड़ा सा रह गया था, उसमें मैंने पानी डालकर थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे मसाले जले ना, तो उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से कुक होने देंगे। अब जब ये मसाला पक जाएगा, इसका कलर आप देखना एकदम अलग हो जाएगा, डार्क। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना, इसी तरह से अगर आपका मसाला पक जाता है तो इसी तरह से कलर भी आ जाएगा और ऑयल भी ऊपर रिलीज़ हो जाएगा। थोड़ी देर और अपन पकने देंगे इसको, और फिर जो अपन ने बॉईल किया था मिसल मटकी, वो अपन इसके अंदर डाल देंगे, पानी के साथ ही डाल देना, इसमें पानी बहुत ज़्यादा डलता है तो एक दो लोटा तो आप डाल ही सकते हैं। ये देखिए मैंने एक लोटा, इसमें एक ग्लास मैंने पानी डाल दिया है और मटकी भी इसमें अपने पूरी, स्प्राउट्स भी इसमें अपने पूरे डाल दिए हैं, और अपन ऑलरेडी इसको बॉईल कर चुके थे, ऑलरेडी अपनी ग्रेवी पक चुकी है, अब इसमें उबाल आने तक आपको पकाना है, आपका रेडी हो जाएगा मिसल। और आपको कैसी लग रही है रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा और आगे से आगे शेयर करिए, मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है, प्लीज़ रिस्पॉन्स करिए। और टेस्ट अकॉर्डिंग अब इसमें नमक डाल देंगे, नमक अपन ने ऑलरेडी पहले भी डाला था तो टेस्ट अकॉर्डिंग आप नमक डाल दीजिए, फिर मिक्स कर दीजिए और उबाल आने तक पका दीजिए। और फिर उसके बाद उबाल आने के बाद आप इसमें धनिया अपन इसमें गार्निशिंग कर देंगे और आपका पूरा मिसल रेडी हो जाएगा। है ना कितना आसान बनाना, तो अगर आपको भी ये रेसिपी बनानी है तो प्लीज़ ये रेसिपी देखिए और झटपट आप बना सकते हैं जनजनी मिसल पाव। है ना, लग रहा है ना कितना टेस्टी। अब इसके बाद आप इसमें धनिया डाल दीजिए और आपका मिसल रेडी हो चुका है। ये देखिए कितनी तरी आई है, जिससे मार्केट में मिलता है वैसे ही लग रहा है ना। आप इस तरह से रेसिपी बनाएंगे तो इसी तरह से आपकी भी बनेगी, ये मेरी गारंटी है। ये देखिए मैंने धनिया डाल चुकी हूँ, अब मैं आपको सर्व कर बताऊँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए ऊपर से अपन ने नमकीन, जो मिसल की नमकीन होती है वो भी मार्केट में मिलती है, वो डालिए, प्याज डालिए और इंजॉय करिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय।